नमस्कार वीटीएन प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा में थमा चुनाव प्रचार, सोमवार को होगा मतदान। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, पूरी तरह निष्पक्ष मतदान करने को तैयार है प्रशासन। प्रेक्षक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधन। निष्पक्षता और कर्म का पढ़ाया पाठ। रविवार को मतदान संग्रहण दल को संबोधित करेंगे डीएम और एसएसपी। वार्ड नंबर 29 के लोगों ने महापौर पर अनदेखी का आरोप लगाकर जल जमाव के मुद्दे पर वोट बहिष्कार करने का लिया निर्णय। प्रशासन आया हरकत में। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के काफिले को अलग रूट ले जाने पर राजद ने की शिकायत। जिलाधिकारी ने कहा, कर रहे हैं जांच। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट में आईआईटी नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग आईआईटी जेई की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th एनटीएसई केवीपीवाई ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। सेनफोर्ट यूके कॉन्सेप्ट बेस्ड प्री स्कूल विद ट्रू स्मार्ट लर्निंग सिस्टम नाउ इन दरभंगा, which will provide your child a happy, safe and clean environment. सेनफोर्ट में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सेनफोर्ट में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेरी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800102953। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, अ को एजुकेशन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास टेंथ बेस्ट एजुकेशन, CBSE पैटर्न इन इंग्लिश मीडियम, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टीम ऑफ टीचर्स हु विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक योर वर्ड अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मैन, रेसिडेंशियल कम डे स्कॉलर्स, कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट, एनरिच्ड लाइब्रेरी, साउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑल वायबल रूट्स एट मिनिमम कॉस्ट, प्ले वे मेथड फॉर किड्स, एक्स्ट्रा करिकुलम योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस क्लासेज, रिमेडियल क्लासेज, टीचिंग थ्रू वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड टीचर, स्पेशल स्ट्रेस ऑन गुड हैंडराइटिंग एंड डिसिप्लिन, वेल मैनेज्ड लाइब्रेरी हैविंग गुड स्टॉक ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स, एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सोशल एंड मोरल बिहेवियर फॉर मेकिंग देम नॉट ओनली सक्सेसफुल बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग। Where learning is the passion, short time, big difference.
You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School. Captain International School, jiska mobile number hai 9525022820, evam dusra mobile number hai 8969686343. आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सह दिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। चौथे चरण का चुनाव मतदान है 29 तारीख को और इसके लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया देर शाम 5 बजे और चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधिकारी ने पूरी तैयारी के बाद पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली। लोकसभा निर्वाचन के चौथे चरण में दरभंगा में मतदान होना है सोमवार को और इसके लिए शनिवार को 5 बजे शाम में प्रचार अभियान बंद कर दिया गया और पूरी तैयारी के संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवैध आग्नेयशास्त्र की बरामदगी 9 हुई है, 7 कारतूस बरामद हुए हैं, कुल 1098 लाइसेंस हथियारों का सत्यापन किया गया, 351 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए और 62 को निरस्त कर दिया गया। 107 के तहत 16987 लोगों पर कार्रवाई हुई। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध कर्मियों के विरुद्ध 128 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और जो अवैध आर्म शराब इत्यादि की भी बरामदगी हुई उस संदर्भ में भी जिलाधिकारी ने विस्तृत रूप से बताया। 19 को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान की समय निर्धारित की गई है। इसमें 14 दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का 6 विधानसभा क्षेत्र एवं समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का 2 विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान और हायागढ़ में मतदान इस समय पर पहले से विभिन्न सूचना आप लोगों को देते गए हम लोग। संक्षिप्त में अगर बता दूं, दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1664 मतदान केंद्र है और कुल मतदान भवन की संख्या है 998। इसका भी लिखित सूचना दे दी जाएगी। समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन पड़ने वाले 2 विधानसभा क्षेत्रों में 494 मतदान केंद्र है और 296 मतदान भवन। वोटर्स की संख्या अगर हम बताएं, 14 दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 16,53,471 जनरल इलेक्टर्स हैं, 1,340 सर्विस इलेक्टर्स हैं, कुल 8 कैंडिडेट्स हैं मतदान केंद्र के बारे में बताते 14 दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 876 क्रिटिकल मतदान केंद्र घोषित किया गया। इन क्रिटिकल मतदान केंद्रों में विशेष प्रबंधन रहेगा, यानी आप समझ सकते हैं कि 50% के ऊपर मतदान केंद्रों में हम लोग समीक्षा के उपरांत या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये क्रिटिकल रहेगा और इन मतदान केंद्रों का CPF यानी पैरामिलिट्री फोर्स का प्रबंधन या माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रबंधन या वेबकास्टिंग
इसमें सीधे लाइव प्रसारण इलेक्शन कमीशन तक रहेगा या वीडियोग्राफी का प्रबंध। चार में से कोई एक व्यवस्था इन सभी मतदान केंद्रों में उपलब्ध रहेगा ताकि इन मतदान केंद्रों पर हम लोग पैनी नजर रख सकें। इसका कारण क्या है क्रिटिकल करने का? क्रिटिकल का कारण है सांप्रदायिक तौर पर या जातीय तनाव अगर रहे, पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं सांप्रदायिक या जातीय रूप से जो तनाव घटनाएं के इतिहास के आधार पर ये। दूसरा है नॉन एपिक वोटर्स, एपिक कार्ड के बिना ज़्यादा प्रतिशत जो मतदान दिए हैं उनके प्रतिशत अगर अत्यधिक है उनको, या कोई मतदान केंद्र जहां पर 90% से ऊपर या 10% से नीचे वोटिंग पिछले बार अगर दर्ज हुआ उन मतदान केंद्रों को, या वल्नरेबल बूथ्स कहा जाता है यानी कुछ बूथों में एक समूह के द्वारा दूसरे समूह के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करने पर रोके जाने की संभावना का आकलन किया गया सेक्टर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के माध्यम से। जिला पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान 95,600 रुपये की नकदी बरामद हुई और 8 किलो से अधिक सिल्वर चांदी की बरामद ही हुई, जबकि स्मॉल सिल्वर क्वाइन की 1.5 किलो बरामद किया गया। 465 क्वाइन जो सिल्वर क्वाइन है वो बरामद किया गया। एक चार चक्का गाड़ी को भी जब्त किया गया है, एक एलईडी टीवी को भी जब्त किया गया है। कुल शराब की बरामदगी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 22,040 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसमें 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 67 कांड इस संदर्भ में दर्ज किया गया। वाहनों की जांच वसूली के संदर्भ में उन्होंने बताया कि 39,22,500 रुपया जुर्माना की राशि वसूली गई। चुनाव के अवसर पर बाधा उत्पन्न करने वालों की संख्या 1,060 संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और दरभंगा जिला अंतर्गत सभी थाना में सघन गश्ती हेतु 35 रात्रि गश्ती दल का गठन किया गया है। संयुक्त ब्रीफिंग में एसएसपी बाबूराम ने कहा कि चुनाव के दिन मतदान के दिन अवसर पर हेलीकॉप्टर के साथ एसटीएफ की एक टीम प्रतिनियुक्त रहेगी, बम निरोधक दस्ता की टीम मुख्यालय में प्रतिनियुक्त रहेगी। चुनाव के अवसर पर सीपीएफ एवं बिहार सैन्य पुलिस की 40 कंपनियां प्रतिनियुक्त रहेगी। जिला में सभी थाना में क्यूआरटी की प्रतिनियुक्ति की गई है। 10 सुपर जोनल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। किसी भी परिस्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है जिला पुलिस प्रशासन। विवादात्मक कार्रवाई की गई है और इसके अलावा हथियार सत्यापन के अंतर्गत 1,098 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है। 351 हथियार को थाना में जमा कराया गया है और दोनों सत्यापन नहीं किए हैं। 62 का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। काफ़ी लोगों को शो कॉज नोटिस हुआ है कैंसिलेशन के लिए। इसके अलावा सीसी के तहत धारा 3 के अंतर्गत थाना पे हाजिरी लगाने के लिए 128 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अभी तक कुल 22,000 लीटर शराब बरामद हुई है और 94 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों को जेल भेजा गया है। विभिन्न नाका और एसएसटी की टीमों के द्वारा जांच के क्रम में वाहनों से 39,00,000 रुपये का फाइन वसूला गया है और अभी चुनाव की तिथि है 29 अप्रैल। इस दिन की कार्य योजना के अंतर्गत एवरेज 3 चुनाव मतदान केंद्रों के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे। और काफी बल मुहैया करा दिया गया जिला प्रशासन को। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त रूप से कहा कि पूरी तरह तैयारी है, कहीं से कोई बाधा नहीं है और रविवार को मतदान दल को, वो संग्रहण दल है, उसे रवाना करेंगे और उसे संबोधित कर करके जो बारीकियां हैं, जो गोपनीय हैं, वो रखी जाएगी, कहीं से भी कोई प्रभावित न कर पाए, इसके पूरे उपाय किए गए। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा एवं उनके डिस्पैच केंद्र पर सभी मतदान दल और माइक्रो ऑब्जर्वर का चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम
आयोजन किया गया जिसका चुनाव 29 तारीख को होना है। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बोराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर और 84 हयाघाट, 85 बहादुरपुर। मालूम रहे कि 86-87 केवटी और जाले मधुबनी संसदीय में है जिसका चुनाव 6 तारीख को। शनिवार को जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने संबोधन में लोगों को कहा कि आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है और आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसका 100% उपयोग प्रदर्शन करना। चुनाव से 48 घंटे पहले माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधित करते हुए प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पढ़ाया चुनाव का पाठ और निष्पक्षता की दी जानकारी और कहा आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका 100% उपयोग करें, निष्पक्ष मतदान में सहायक बने, योगदान दें। समाहरणालय परिसर में माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बारीकी से जानकारी दी और कहा किस तरह निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं। जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी आप सभी जानते हैं, संबोधित कर प्रेषक महोदय डीपीओ और साथ और सभी स्टाफ और सभी माइक्रो ऑब्जर्वर्स में सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग दैनिक काम है और आपको काफ़ी ध्यान देकर काम करना होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर्स के ट्रेनिंग भी आयोजित की गई थी जिसमें विस्तार से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बताया गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ही विस्तार से आपको बताऊँ, लेकिन मोटा मोटी आपका काम यह रहेगा कि आप ईयरसन आईस ऑफ द ऑब्जर्वर के रूप में काम करेंगे। तो आपके सीधे रिपोर्टिंग ऑब्जर्वर का होगा और आज आपको जो फॉर्मेट दिया जा रहा अनक्षर 31 उसमें जो बिंदु है उसको बिंदुवार समझ लीजिए, उसमें क्या क्या कैसे आप पोल के दिन भरेंगे उसको समझ करके आप काम करेंगे। और मेरा आरओ के नाते एक ही अनुरोध रहेगा कि आपके सोच और विचार तो सकारात्मक और सुधारात्मक रखिए। कोई भी अगर गलती हो रहा है तो उसको सुधार करने के लिए जो करना चाहिए उसका मौका दीजिए, उसके बाद अपने टिप्पणी आप रखें और सभी लोगों से कंसल्ट कर दें क्योंकि पूरे प्रोसेस में कई पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कई लोग इन्वॉल्व हैं। आप जैसे ट्रेनर आपको कहा आप एक बार विमर्श कर सकते हैं एआरओ या बीडीओ या हमसे भी, उसके बाद अपना टिप्पणी नोट करेंगे। आप जो टिप्पणी नोट करेंगे वो उसका महत्व बहुत रहता है। तो हल्का समझ लीजिए, आप कोई इंसिडेंट को या कोई चीज़ को आप टिप्पणी नोट करेंगे उसका प्रभाव बाद में भी काउंटिंग पर उसका पड़ेगा। इसको केवल ध्यान रखना है और मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपना सोच एक पॉजिटिव और एक गलतियां जो हो रही उसको सुधार करने के लिए रखें, ना कि कोई गलतियां ढूंढने के लिए रखें। माइक्रो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का पार्ट हैं, उनके आँख हैं और उनके अंग हैं और पूरी निष्ठा के साथ आप कोई भी शिकायत हो तो ऑब्जर्वर को सीधे संपर्क करें। आरओ के नाते उन्होंने कहा कि अगर कोई कहीं चूक होती है तो आप वार्ता कर आदान प्रदान कर उसे सुधारें, न कि आप उससे घबराएं, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है जिसका निर्वहन करना है और यह सब लोगों के सहयोग से होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि 2 माह से लगातार जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका 100% आप उपयोग करें और मतदान के दिन पूरी तरह से चौकस रहें। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में वाहन घोषान बनाया गया, जहां सैकड़ों वाहन लगाया गया है। रविवार की सुबह से विभिन्न बूथों पर मतदान है तो इसलिए रवाना किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में वाहन कोषांग बनाया गया है जहां से उन्हें खुराकी और फ्यूल देकर डिस्पैच सेंटर के लिए रवाना किया जाएगा। वहां से मतदान कर्मी सामग्री का उठाव कर अपने अपने बूथ के लिए रवाना होंगे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज।
बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। डॉक्टर रूही आसमी निसंतान दंपति विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20। कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। दरभंगा को विकास की ओर एक कदम और ले जाने के लिए द ग्रूसीड ज्वेलर्स अपनी तरह का मिथिलांचल का पहला शोरूम, जहां लोग मुफ्त में अपने गहने का कैरोमीटर से जांच कर सकते हैं। आभूषणों की नई रेंज लेटेस्ट डिजाइन के साथ उपलब्ध है। किसना और जोरवा डायमंड की लेटेस्ट डिजाइन द ग्रूसीड ज्वेलर्स में खास लोअर रेंज से अपर रेंज तक की ज्वेलरी उपलब्ध है। जी रोड, कॉन्टैक्ट 9006492368। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। दरभंगा में थमा चुनाव प्रचार, सोमवार को होगा मतदान। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, पूरी तरह निष्पक्ष मतदान करने को तैयार है प्रशासन। प्रेक्षक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधन। निष्पक्षता और कर्म का पढ़ाया पाठ, रविवार को मतदान संग्रहण दल को संबोधित करेंगे DM और SSP। वार्ड नंबर 29 के लोगों ने महापौर पर अनदेखी का आरोप लगाकर जलजमाव के मुद्दे पर वोट बहिष्कार करने का लिया निर्णय, प्रशासन आया हरकत में। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के काफिले को अलग रूट ले जाने पर राजद ने की शिकायत, जिलाधिकारी ने कहा कर रहे हैं जांच। जल जमाव से आजीज होकर वार्ड नंबर 29 की जनता ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया, और इस खबर को मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया है और कई पदाधिकारियों ने बात करने की कोशिश की। मालूम रहे कि इस क्षेत्र में जल जमाव लगातार है और नगर निगम द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन अंततः निदान नहीं हो पाया। वहां के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि महापौर चुनाव में व्यस्त हैं और उन्हें जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वे वोट डालकर क्या। एक तरफ लोकसभा निर्वाचन में मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है, दूसरी तरफ वार्ड नंबर 29 की जनता जल जमाव से परेशान है और अंततः उसने दीवार पर चिपका दिया कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। शनिवार को जब यह ज्ञापन दिया गया और दीवार पर फ्लैक्स लगाया गया तो जिला प्रशासन की नींद खुली, प्रशासन हरकत में आया। जिला पदाधिकारी के पत्रकार सम्मेलन में भी यह बात उठ कर करके आई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मामले को हम देख रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर नगर आयुक्त ने मामले की जानकारी ली। वार्ड नंबर 29 के लोगों का कहना है कि 5 माह पहले सिटी मैनेजर ने आकर आश्वासन दिया था कि 1 माह के अंदर जल निकासी हो जाएगी, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी वार्ड नंबर 29 जल जमाव में डूबा हुआ है। ऐसे में अब रमजान की शुरुआत है और स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हमारा काम ही नहीं हुआ तो हम क्या मतदान करें, और इस कारण उन्होंने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अपना रोष जताने के लिए वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान एक दिन पहले भाजपा के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर और SDPO ने संयुक्त रूप से पत्र निकालकर रूट निर्धारित कर दिया था, लेकिन उसके बाद लोहिया चौक के बाद नाका 5 कोतवाली ओपी न आकर उनका काफिला पंडा सराय की ओर चला गया और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने विधिवत रूप से शिकायत की। पहले भी अनौपचारिक रूप से शाम में ही इसकी शिकायत की और शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष इसकी शिकायत की कि उप मुख्यमंत्री ने अपना सरकारी प्रभाव दिखाया, उन पर कार्रवाई की जाए। इसके तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भी मामले को जांच के लिए भेज दिया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव ने लिखित रूप से इसकी शिकायत की है। मालूम रहे कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नगर विधायक संजय सरावगी और विधान पार्षद अर्जुन सहनी के साथ हजारों कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल थे। देखिए, कल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और भाजपा प्रत्याशी के द्वारा रोड शो निकाला गया, उसके लिए जो परमिशन दिया गया था रोड शो के लिए जो निर्धारित स्थल उसके अलग जाकर ये कर्पूरी चौक, लोहिया चौक होते हुए इनको था, ये पंडा सराय गए, खाजा सराय गए और अन्य मार्गों पर जहाँ परमिशन नहीं था, जहाँ का आदेश निर्गत नहीं था वहाँ इन्होंने निकाला। और जो जुलूस के लिए निर्धारित गाड़ी की संख्या थी उससे भी कहीं अधिक गाड़ी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके खिलाफ हमने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन दिया है और हम मांग करते हैं जो आप उस पर उसकी जांच करवाइए, और अगर जो इस जगह पर परमिशन नहीं दिया गया था और वहाँ भी जुलूस गया, गाड़ी की संख्या कितना आदेशित किया गया था, निर्धारित था और कितनी गाड़ियां जुलूस में थी, सारे तथ्यों का आप जांच कीजिए और अविलंब उस पर कार्रवाई। और इस तरह से लग रहा है जो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन की जो संस्था थी इस पर बहुत विश्वास था लोगों का। जब लोकतंत्र में जब निर्वाचन आयोग पर से विश्वास उठ जाएगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि उनके जानकारी में संज्ञान आया और जैसे ही आया उन्होंने जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट में अगर बात सत्य साबित होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप इसका प्रोटेस्ट भी किया है RJD वालों ने? देखिए, RJD वालों ने जो प्रोटेस्ट किया जो आप बता रहे हैं उसकी सूचना आज हमको मिली है, लिखित रूप से आज हमको मिला है। जैसे ही मुझे मिला मैंने अविलंब मॉडल कोड कोषांग को जांच के लिए भेज दिया। जांच रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। रोड शो में जो भाजपा प्रत्याशी है गोपाल जी ठाकुर तो नहीं थे, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नगर विधायक संजय सरावगी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, सहनी के साथ हजारों भाजपा को जिताना है, देखना है नारे के साथ काफिला क्या मामला आता है। और उसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा अगर मामला सही पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होती है। हालांकि भाजपा ने भी इसे स्वीकार कर लिया है कि रोड शो पंडा सराय गया था। प्रेस विज्ञप्ति में ही उसने दर्शाया कि जो रोड शो है वह पंडा सराय भी गया, लेकिन क्या इसके लिए अनुमति ली गई या नहीं इस पर भाजपा मौन है। और इस संदर्भ में राजद ने मौका देख सीधे कार्रवाई की मांग की है। तो ये तब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा में थमा चुनाव प्रचार, सोमवार को होगा मतदान। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा पूरी तरह निष्पक्ष मतदान करने को तैयार है प्रशासन। प्रेक्षक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधन। निष्पक्षता और कर्म का पढ़ाया पाठ। रविवार को मतदान संग्रहण दल को संबोधित करेंगे DM और SSP। वार्ड नंबर 29 के लोगों ने महापौर पर अनदेखी का आरोप लगाकर जल जमाव के मुद्दे पर वोट बहिष्कार करने का लिया निर्णय। प्रशासन आया हरकत में। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के काफिले को अलग रूट ले जाने पर राजद ने की शिकायत। जिलाधिकारी ने कहा कर रहे हैं जांच। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।